न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मंडलायुक्त ने गोरखपुर देवरिया फोर लेन सड़क निर्माण का किया निरीक्षण, धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता का वेतन रोकने के दिए निर्देश। जिले में टिड्डी दल के संभावित हमले को लेकर सतर्क जिला प्रशासन। सीडीओ ने कहा, टीम गठित कर टिड्डियों के हमले पर रखी जा रही है नजर, आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक पदार्थों का होगा छिड़काव। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट शनिवार को हुआ घोषित। हाई स्कूल में 83.31% और इंटरमीडिएट में 74.63% स्टूडेंट हुए पास। गोरखपुर के एन सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलुआ सिहोरवा के छात्र ने किया जिला टॉप। शाही मार्केट में रोस्टर का उल्लंघन करने वाले 4 दुकानों को सिटी मजिस्ट्रेट ने किया सील। कहा, रोस्टर तोड़ने वालों के खिलाफ निरंतर चलती रहेगी कार्रवाई। सुमेर सागर पोखरे पर हुए अवैध अतिक्रमण पर शनिवार को एक बार फिर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। एसडीएम ने कहा, सुमेर सागर को दिया जाएगा पोखरे का स्वरूप, जिससे महानगर में न हो सके जल भराव। राजघाट पुलिस ने अवैध गांजा के साथ 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी ने किया खुलासा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शासी निकाय गवर्नेंस बॉडी की बैठक। 1 जुलाई से शुरू होने वाले दस्तक अभियान की सफलता के दिए निर्देश। कहा, सामंजस्य बनाकर करें संचारी रोगों पर नियंत्रण। कोरावार पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देकर पुलिस को उलझाने वाले शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने किया खुलासा, भेजा जेल। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई पास्को एक्ट संबंधित बैठक। विवेचनाओं को जल्द पूरा कर कार्रवाई किए जाने के दिए निर्देश। राजघाट थाना क्षेत्र में घंटाघर स्थित महिला संरक्षण गृह में 1 17 वर्षीय बालिका मिली कोरोना पॉजिटिव। एसडीएम सदर ने संरक्षण गृह को 48 घंटे के लिए किया सील। कहा, शेष बच्चियों को रैन बसेरा में कराया गया है शिफ्ट, सभी के स्वास्थ्य की होगी जांच। खोराबार पुलिस ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार। एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने किया खुलासा, भेजा जेल। गोरखपुर में शनिवार को मिले 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 303, जबकि 194 हो चुके हैं डिस्चार्ज। 12 लोगों की हो चुकी है मौत, एक्टिव के 97। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। एसपी ट्रैफिक का कासगंज में हुए तबादला के बाद पुलिस परिवार द्वारा माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह देकर की गई विदाई। कहा, जिले के यातायात व्यवस्था सुधारने में लोगों का मिला है भरपूर सहयोग। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मासिक समीक्षा बैठक। व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोरोना संक्रमण से पुलिस कर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए एसएसपी ने बांटा सुरक्षा किट। कहा, लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को सुरक्षित रहना है जरूरी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित होने पर एडी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने हाई स्कूल में 85% और इंटर में 80% अंक लाकर विद्यालय का बढ़ाया मान। प्रधानाचार्य ने सभी छात्राओं को दी शुभकामनाएं। और मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण पर लगे रोक को हटाने की मांग को लेकर योद्धा मार्शल आर्ट समिति ने डीएम को प्रेषित किया ज्ञापन, प्रतिबंध हटाने की मांग।